सो हेलो एवरीवन, दिस इज शिवम एंड वाचिंग जेएनपी पाठशाला। प्रेजेंट टाइम में मैं जवाहर नवोदय विद्यालय किसी नगर का छात्र हूँ और अभी हॉस्टल में हूँ। आप लोगों ने बोला था हॉस्टल देखने के लिए, खैर हॉस्टल हम बाद में दिखाएंगे। अभी इस वीडियो में हम स्पेशली अनाउंसमेंट करने वाले हैं क्लास नाइन्थ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए। ये उसका फर्स्ट सीरीज है, फर्स्ट पार्ट है। अब इसके बाद से सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सब आती रहेंगी। सब में इंट्रो मेरा शायद यही रहे, तो मैंने सोचा कि थोड़ा हाउस में ही इंट्रो शूट करता हूँ। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज होगी, तो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस काफ़ी तेज़ी से सॉल्व किया जाएगा, तो आप अच्छे से एकदम सॉल्व करते रहें। बाकी कोई भी दिक्कत होगी तो मेरे नवोदय दोस्त वगैरह हैं सब, इन सब के हेल्प से आप लोग। सो आपको कोई भी दिक्कत होता है, कोई भी तकलीफ होता है, तो आप नीचे कमेंट करना। कोई क्वेश्चंस वगैरह नहीं समझ में आता है, क्योंकि मैं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज काफ़ी तेज़ी से सॉल्व कराऊंगा। कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आप लोगों को कवर करा सकूं, मतलब एग्जाम के समय तक जितना ज़्यादा हो सके। तो आप काफ़ी तेज़ी से सॉल्व कीजिएगा, क्वेश्चंस को पॉज कर करके सॉल्व कीजिएगा, स्क्रीनशॉट वगैरह ले करके रख लीजिएगा। कोई भी डाउट वगैरह होता है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं कि भैया ये नहीं समझ में आया है। उसके बाद से हम कम्युनिटी पोस्ट वगैरह पर भी बातें करते रहेंगे, साथ ही साथ और भी जगह से आप मेरे से जुड़ सकते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चंस को सॉल्व करना हम यहाँ से शुरू करेंगे। सो प्यारे बच्चों, अब हम वीडियोस को शुरू करते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जेएनबी पाठशाला का कोर्स है। ये जो है ये आप जा करके नीचे डिस्क्रिप्शन में खरीद सकते हैं। खैर अच्छी बात यह है कि जो कोर्स है आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मिल जाएंगी। वहाँ पे लिंक दिया गया है, वहाँ पे जाकर के आप वेबसाइट से डायरेक्ट भी इसको खरीद सकते हैं। अभी इसका जो प्राइस है 69 रुपीज़ किया गया है, लेकिन इसका जो एक्चुअल प्राइस है वो 99 रुपीज़ है, जैसा कि आप लोगों को पता ही है। खैर यहाँ पे ये जो क्वेश्चंस की सीरीज है, इसको जेएनबी पाठशाला का ये क्वेश्चंस है, ये भी आपको उसी में मिल जाएगा, उसी कोर्स में। इसमें आप देख सकते हैं कि जितने भी क्वेश्चंस है सभी टाइपिंग कर करके आपके शिवम भैया बनाए हैं, एकदम सभी धाकड़ धाकड़ सवाल हैं। तो खैर आज इसी को हम सॉल्व करेंगे। इसमें काफ़ी तेज़ी से मैं सभी चीज़ें सॉल्व कराऊंगा। जो भी आपको डाउट वगैरह होगा उस पर आप क्वेश्चंस को रोक लीजिएगा और उसको आप मेरे से ऐसे नीचे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तो जो नहीं आता है मेरे समझाने के बाद भी, वैसे मैं तो कोशिश करूँगा समझाने के लिए। तो यहाँ पे हम मैथ और साइंस दोनों के क्वेश्चंस को आज पहली बार वीडियो में डिस्कशन करेंगे, और इसके बाद से भी आप जिस जिस सब्जेक्ट का बताओगे उसके बारे में हम डिस्कशन करते रहेंगे। तो यहाँ पे चलिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो पूछा है कि राइजोबियम बैक्टीरिया हेल्प करता है, किस चीज़ में करता है। राइजोबियम जो जीवाणु होता है, बैक्टीरिया होता है, वो किस चीज़ में यूज यहाँ पे हेल्प करता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा जीवाणु में ये छूट गया थोड़ा सा। खैर कोई बात नहीं है, तो आप समझते हैं शिवम भैया टाइपिंग करते हैं तो थोड़ा बहुत मिस्टेक हो ही जाता है। तो राइजोबियम जो होता है ये तो आप लोग को जनरली पता ही होगा कि ये जो होता है ये नाइट्रोजन फिक्सन में हेल्प करता है, नाइट्रोजन के इसीकरण में ये हमारी हेल्प करता है। ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया है ये क्लास 7th में भी बच्चों को पढ़ाया जाता है, 8th में भी पढ़ाया जाता है। तो ये तो बेसिक नॉलेज है, ये तो आपको पता होनी ही चाहिए। खैर अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा हैं। आप चिंता न कीजिए, ये सभी क्वेश्चन आपको एग्जाम से बहुत पहले ही करा दिया जाएगा। इसको एक दो दिनों में मैं करा दूंगा अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स आता है। इसीलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, जितने ज़्यादा दोस्तों के पास आप पहुँचा सकते हैं उसको पहुँचाइए। यहाँ पे देखिए सेकेंड क्वेश्चन हमारा है कि बर्डिंग जो है वो किस में इसमें होता है। अब यहाँ पे देखिए, कुछ बच्चे जो होंगे वो पता होगा कि बर्डिंग जो होता है वो हाइड्रा में होता है, कुछ बच्चे लगा देंगे ईस्ट में होता है। लेकिन आप सेकेंड ऑप्शन नंबर सेकेंड देखिए, यहाँ पे लिखा है कि मुकुलन जो होती है वो हाइड्रा और खमीर यानी ईस्ट में। खैर मेरा क्या है कि मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों समझ जाता हूँ, क्योंकि आप लोगों के लिए क्वेश्चंस बनाते बनाते मुझे अब हिंदी भी समझ आने लगा है। खैर मैं खुद इंग्लिश मीडियम से ही पढ़ता हूँ, खैर वो अच्छी बात है कि आप लोगों की वजह से मुझे हिंदी में भी सभी चीज़ें समझ में आ जाती हैं। तो बर्डिंग जो होता है ईस्ट और हाइड्रा दोनों में होता है। तो प्यारे बच्चों कभी भी आप कन्फ्यूज ना होना, एग्जाम में ऐसे ही कन्फ्यूज करने के लिए आपको ऑप्शन दिया गया रहता है कई बार, तो आप ऐसे धोखा ना खाना, ऐसे ही देखते रहना। खैर जिस धोखा की मैं बात किया हूँ वो एग्जाम वाला है, आप कुछ इधर उधर ना सोचना। अब चलिए हम आगे थोड़ा क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे है नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज बेस्ड ऑन, ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग यानी जो विद्युत लेपन होता है ये इलेक्ट्रिसिटी का कौन सा इफेक्ट होता है यही आपको बताना। खैर अगर आपने पढ़ा होगा तो आप तो बहुत इजीली इसको बता लोगे, क्योंकि आपको पता ही है कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो होता है वो एक केमिकल इफेक्ट होता है। इसमें क्या होता है कि एसिड वगैरह में वो डाल करके रिएक्शन कराया जाता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के थ्रू एक एसिड पे दूसरे एसिड का उस पर उसका प्लेटिंग कर दिया जाता है, यानी उस पर उसका ऊपर से वो जा करके एक जो मेटल रखा रहता है मेटल रॉड, उस पर दूसरे मेटल रेड जा करके उसमें जमा हो जाते हैं, इसी को इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोला जाता है। ये एक्टिविटी दी गई है क्लास 8 में मेटल एंड नॉन मेटल वाले चैप्टर में, तो आप पढ़े ही होंगे। खैर यहाँ पे इतनी ज़्यादा चीज़ें मैं आपको बताऊँगा नहीं, क्योंकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप लोगों को जल्दी जल्दी सॉल्व कराना है, तो इसीलिए मैं सॉल्व कराते हुए चल रहा हूँ। खैर आप क्वेश्चंस का चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो जो क्वेश्चंस आपको अच्छे लगते हैं, क्योंकि अभी ये साइंस है तो ये तो काफ़ी आसान इसमें क्वेश्चंस मैं लाया हूँ, क्योंकि मैं सोचा हूँ कि पहले ही आप लोगों को मुश्किल मतलब हार्ड क्वेश्चंस करा दूंगा तो आप लोगों का मनोबल टूट जाएगा। आप चिंता ना करो, आपको मुश्किल क्वेश्चंस भी कराए जाएंगे, लेकिन ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सभी क्वेश्चंस आपके PYQs वगैरह से भी लिए गए हैं, तो इसलिए आप लोग इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना कि अच्छे से।
अब ये क्वेश्चन यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि इसमें से कौन ऐसी जो लेंसेस है या मिरर है वो लाइट को डाइवर्ज करती हैं। अब यहाँ पे देखो कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि डाइवर्ज और कन्वर्ज रे वगैरह में कंफ्यूज हो जाते हैं कि मिरर में जो होता है दो प्रकार के मिरर होते हैं आपके, एक तो होते हैं कनकेव वाले। कनकेव मतलब देखो आप ऐसे समझो जिसमें केव बना हो, केव मतलब गुफा। ये तो ये जो इसमें इधर का एरिया जो हो आप लोगों का ऐसे प्लेटिंग किया गया हो और इधर से अगर लाइट रेज आ रही हो, यानी इस टाइप का जो मिरर है और इधर से लाइट रेज आएंगी, तो ये क्या करता है, ये लाइट रेज को ऐसे मतलब जब भी आएंगी तो ये इस सबको फोकस पे ऐसे जा करके कन्वर्ज करता है। तो ये कन्वर्जिंग लेंस होता है, इस लेंस को हम बोलते हैं कनकेव मिरर। सॉरी ये लेंस मैंने बोल दिया है, यहाँ पे कनकेव मिरर इसको बोलते हैं। और एक होता है कन्वेक्स। तो जो कन्वेक्स होता है उसमें क्या होता है कि उसका अंदर वाला जो होता है वो पार्ट हमारा क्या होता है कि उसको मतलब ऐसे उस पर प्लेटिंग की गई रहती है, वो हमारा रिफ्लेक्टिंग नहीं होता है, उसके आउटर वाला जो कवर होता है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। तो यहाँ से जब लाइट आती है तो ये ऐसा प्रतीत होती है कि पीछे से फोकस से जो होता है वो यहाँ से आकर के ऐसे डाइवर्ज हो रही है। तो प्यारे बच्चों ये जो हमारी मिरर होती है, ये हमारी जो कन्वेक्स मिरर होती है, तो कन्वेक्स मिरर जो हमारी होती है ये लाइट को डाइवर्ज करती है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी में कन्वेक्स मिरर, और कहीं भी आप देखोगे ढूंढोगे तो इसमें एक आपको मिल जाएगा कन्वेक्स मिरर। ओ सॉरी प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप देखोगे तो ऑप्शन नंबर डी और ऑप्शन नंबर बी हमारा दोनों सही है और दोनों में ऑप्शन दिया गया है। खैर इस पे हम थोड़ा सा अभी मैं आपको समझा दूंगा क्योंकि टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गया है। अब यहाँ पे लेंसेज की हम बात कर लेते हैं। तो एक लेंस होता है हमारा कन्वेक्स लेंस। तो कन्वेक्स लेंस में क्या होता है कि लाइट आती है और लाइट जो होती है वो कन्वर्ज हो जाती है, मतलब ये उल्टा होता है। जैसे लेंस और मिरर में क्या होता है कि दोनों की प्रॉपर्टी अलग अलग हो जाती है, वही जो हमारा कन्वेक्स मिरर कन्वेक्स लेंस होता है वो हमारा क्या करता है कि डाइवर्ज कर देता है लाइट को, ये लाइट को फैला देता है। डाइवर्ज करना मतलब फैला देना। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन होगा वो यही होगा, कनकेव लेंस और कन्वेक्स मिरर। ये ऑप्शन नंबर बी और डी जो है हमारे दोनों सही है क्योंकि गलती से मैंने टाइपिंग कर दिया है। तो खैर कोई बात नहीं, आप समझ ही सकते हो थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है। हम थोड़ा क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे अब हम बात करते हैं, इलेक्ट्रोस्कोप इज अ डिवाइस विच इज यूज टू फाइंड एंड ऑब्जेक्ट इज। इलेक्ट्रोस्कोप जो है ये किस चीज़ के लिए यूज किया जाता है। खैर ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए कि ये चार्ज पार्टिकल के लिए यूज किया जाता है क्योंकि इलेक्ट्रो वर्ड वगैरह जहाँ भी आता है आप समझ जाना कि ये हमेशा मैक्सिमम केसेस में इलेक्ट्रिसिटी वगैरह के लिए यूज किया जाता है। और इलेक्ट्रिसिटी जो होता है वो चार्ज पार्टिकल के मूवमेंट से ही बनता है इलेक्ट्रिसिटी, जब आयंस प्रेजेंट होते हैं इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से। तो इस टाइप से भी आप थोड़ा सोच सकते हो। खैर ये थोड़ा ऊपर लेवल की बातें हो गई। खैर अब यहाँ पे हमारा मैथ के क्वेश्चन शुरू हो रहा है। सबसे पहला हमारा बहुत इजी क्वेश्चन, क्योंकि ये फर्स्ट पार्ट है तो मैं इस पे नहीं चाह रहा था कि बहुत टफ टफ क्वेश्चंस लाने के लिए। फिर भी नीचे आप देखोगे तो बहुत सारे आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस अभी मिलते रहेंगे। मैं नहीं चाह रहा हूँ कि अभी इधर आप अटके, अभी आप चलिए इधर ही आते हैं आप लोग के मैथ के फर्स्ट क्वेश्चन में ही। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है, द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ द एंड ऑक्टागन इज। ऑक्टागन जो होता है, देखो ऑक्टा मतलब होता है एट, यानी आठ भुज जो भुजाएं होती है, यानी अष्टभुज जो होती है ऑक्टागन, उसका जो इंटीरियर एंगल का होता है, जैसे ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल की सबका सम कितना होता है 180 डिग्री, वैसे ही आपका कोई भी क्वाड्रिलेटरल होता है, चतुर्भुज होती है, उसके सभी इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 360। वैसे ही पूछा गया कि ऑक्टागन का क्या होगा। अब ऐसा बिल्कुल भी आप दिमाग ना लगाना कि ये जो फोर भुजाओं वाली हो है इसका 360 है तो आठ भुजाओं वाली जो होगी उसका डबल हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी ना सोचना क्योंकि ऐसे गलती हो जाएगी। आप यहीं पे देखो, तीन भुजाओं वाला जो है 180 है, चार भुजाओं वाला जो है 360 है, तो इस हिसाब से बिल्कुल भी नहीं वो बढ़ता है, उसका दूसरा रिलेशन होता है। तो इसका दो तरीकों से आप आंसर निकाल सकते हो। पहले तो आप यहाँ पे देखो 60 डिग्री दिया है, ऑप्शन को कट कर दो, क्योंकि 60 डिग्री किसी भी बंद आकृति का, किसी भी पॉलीगन का जो होता है उसको जोड़ने पे नहीं आता है। 180 डिग्री जो होता है ये भी हमारा नहीं होगा क्योंकि ये तो ट्रायंगल का होता है। फिर हमारा जो 360 दिया है ये भी हमारा नहीं होगा क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल का होता है। तो ऐसे भी आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब ये जो तरीका है ये बच्चों को एग्जाम के समय बताया जाता है कि कैसे ऑप्शन में से हमको तरीका ढूंढ लेना है। लेकिन अब आप बोलोगे कि भैया आप तो हमने तरीका बताया नहीं, आप तो हमें बेवकूफ़ बना रहे हो। खैर कोई बात नहीं यार, मैं समझा रहा हूँ आपको तरीका भी। देखो आप क्या करो कि पहले अष्टभुज बना लो, क्योंकि अष्टभुज जब आप बना लोगे तो आपके लिए जो चीज़ें होंगी वो बहुत आसान हो जाएंगी। तो मैं थोड़ा अष्टभुज बना लेता हूँ, फिर आगे की बातें करता हूँ आपसे। सो प्यारे बच्चों आप देख लीजिए, यहाँ पे मैंने अष्टभुज बना दिया है। अब आप यहाँ पे क्या करो कि इसको निकालने के फॉर्मूला भी होते हैं। खैर देखिए, कई बार मैथ में मैं फॉर्मूला वगैरह ज़्यादा प्रेफर नहीं करता हूँ, आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अब आप खुद ही देखो कि यहाँ पे ये जो त्रिभुज है
यहाँ पे जो चतुर्भुज है, अगर इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ यहाँ पे, अगर इसमें से यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रा कर देता हूँ, यहाँ से एक यहाँ से लाइन ड्रा कर देता हूँ, तो ये देखो अब ये क्या हुआ कि ये भी एक चतुर्भुज हो गया, ये भी एक चतुर्भुज हो गया और ये भी एक चतुर्भुज हो गया। तो इस टाइप से यहाँ पे तीन चतुर्भुज बन गए। और एक चतुर्भुज का हम लोगों का पता है कि इंटीरियर एंगल का सम होता है 360, दूसरे का कितना होता है 360, तीसरे का कितना हो जाएगा 360। अब इन तीनों को आप ऐड कर दो, तो यहाँ पे भी ऐड करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि 1080 आप लोगों का हो जाएगा, 1080। तो इस टाइप से भी आप चाहो तो निकाल सकते हो। उसके वैसे ही इसका फार्मूला होता है, फार्मूला मुझे एग्जैक्ट अभी याद भी नहीं है क्योंकि मैं तो जनरली नॉर्मल बेसिस पे भी निकाल लेता हूँ और मैं फार्मूला कई बार तो मतलब ऐसे नॉर्मल निकाल भी लेता हूँ। खैर वो अलग बात है, आप लोगों को कॉम्पटिशन देना है तो ज़्यादा मतलब जो जहाँ से भी कम समय में क्वेश्चंस बन जाए वो चीज़ें आप सीखो। फार्मूला वगैरह के चक्कर में ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहिए, शॉर्टकट वगैरह ज़्यादा खेल लेना चाहिए। बाकी आप अच्छे से अगर पढ़े होगे तो आपको पता होगा, तो आप फार्मूला कमेंट भी कर देना। अब खैर यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ये रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं आप लोगों के एग्जाम में, मतलब ज़्यादातर एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है और नवोदय वगैरह में तो ये पूछता ही जाता है, तो इसीलिए इन सब बातों का आप काफ़ी ध्यान रखना। यहाँ पे पूछा है कि अर्जुन इज ट्वाइस एज ओल्ड एज श्रेया, यहाँ पे बोला गया है कि अर्जुन जो है वो श्रेया से दुगुना है। तो सबसे पहले आप श्रेया को एक्स मान लो, मान लेता हूँ यहाँ पे मैं श्रेया जो है वो एक्स है। सो प्यारे बच्चों हमारा जो अर्जुन होगा वो कितना हो जाएगा, अर्जुन इसका डबल है यानी 2x हो जाएगा। अब क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है कि 5 ईयर एगो यानी 5 साल पहले हिज एज वाज 3 टाइम्स श्रेया एज, यानी अर्जुन को एज जो थी 5 साल पहले, यानी श्रेया में से भी 5 ईयर कम कर दो और अर्जुन में से भी 5 ईयर कम कर दो। ये इक्वेशन बनाया जाता है, खैर ये आपको तो पता ही होगा कि एक्स में से भी 5 ईयर कम कर दो और 2x में से भी 5 ईयर कम कर दो। तो इन दोनों में 5 ईयर जब माइनस करो तो क्या बोल रहा है कि जो ये अर्जुन था ये श्रेया से उस समय भी 3 गुना था। तो अगर श्रेया को भी तुम 3 गुना कर देते हो, 3 टाइम्स कर देते हो, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। और यहाँ पे हमें बोलना है कि इन दोनों का प्रेजेंट एज बताना है। तो ये तो बहुत इजीली है, इसको भी आप चाहो तो मतलब कई बार क्या होता है कि ऑप्शंस में यहाँ पे बोला गया है कि पहले ही बोला गया है कि अर्जुन जो है वो श्रेया से 2 गुना है, लेकिन यहाँ पे आप ऑप्शंस देखोगे तो सभी में 2 गुना दिया गया। तो खैर यहाँ पे ऑप्शंस के थ्रू आप इसको नहीं बना सकते, लेकिन अब यहाँ पे हम लोग को ऐसे बनाना है। तो यहाँ पे बस इस इक्वेशन को अब आगे आप सॉल्व कर लो, तो इसको हम क्या करते हैं इरेज कर देते हैं, बाकी फिर उसके बाद से हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे ताकि आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगा। आप लोगों में जो लीनियर इक्वेशन चैप्टर दिया गया है उसी का क्वेश्चन है और ये काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है, नवोदय विद्यालय वगैरह में, CHS में, सैनिक वगैरह में आप एग्जाम देते हो तो इस टाइप के क्वेश्चन पक्का पूछ लिए जाते हैं। यहाँ पे देखो हमें बोला गया है कि 10, 50 और 100 रुपये का जो रेशियो का नोट जो है रेशियो में दिया गया है उन सभी का टोटल सम दिया है। अब यहाँ पे हमें हर एक का इंडिविजुअल नोट बताना है कि टोटल का कितना कितना नोट है, प्रत्येक नोटों की संख्या का मूल वर्ग बताया, यही हमको बताना है। देखो यहाँ पे हिंदी में मूल वर्ग बताया, वाह वाह कितने अच्छे अच्छे शब्द हैं वे। तो खैर इसी को हमको बताना है, तो ये मैं आपको बहुत जल्दी जल्दी सॉल्व करा देता हूँ। यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व कराने के तरीके होते हैं। यहाँ पे आप क्या करो कि सबसे पहले यहाँ पे 3 जो है ये जो हमारा 10 रुपीज़ का है, ये हमारा 50 रुपीज़ का है और ये हमारा 100 रुपीज़ का है। इसके नीचे इसका रेशियो लिख लो, रेशियो को x के फॉर्म में लिखा जाता है। ये हमारा 4x हो गया और ये हमारा 5x हो गया। अब क्या करो कि अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करा दो, इन दोनों इनको भी और इसको भी, ये सभी जो जो भी अंक लिखे गए हैं जो नोटों की संख्या रेशियो में दिया गया है उसको और जो टोटल अमाउंट है उसको मल्टीप्लाई करा के और ये जितना भी आएगा इन सभी को टोटल जोड़ करके और इस 73,000 के इक्वल कर दो। जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई कराओगे तो ये हमारा 30x हो जाएगा और प्लस ये हमारा 200x हो जाएगा और प्लस यहाँ पे हम कराएंगे मल्टीप्लाई तो ये हमारा हो जाएगा 500x और इन टोटल का ये जो इक्वल है ये हमारा हो जाएगा 73,000। तो यहाँ से आपको एक्स की वैल्यू मिल जाएगी और जैसे ही आपको एक्स की वैल्यू मिल जाती है तो प्यारे बच्चों आप यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकाल लेना और जैसे ही एक्स की वैल्यू आ जाएगी तो एक्स की वैल्यू निकाल लेना और एक्स की वैल्यू आ जाएगी तो बस एक्स की वैल्यू यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करा देना, 4 से और 5 से और आपको आंसर पता चलेगा। तो इसका मैं सॉल्व नहीं करूँगा क्योंकि अब यहाँ पे बस इसको ऐड कर देना है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकाल करके करना है, तो हर एक चीज़ इतना छोटा छोटा मैं कराऊँगा तो समय भी काफ़ी ज़्यादा लगेगा और आप लोगों के क्वेश्चंस भी कम होंगे। तो इसका आंसर मुझे चाहिए, आप ऐसे इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर जो होगा, खैर क्वेश्चन नंबर यहाँ पे मैं लिखना भूल गया हूँ, तो आप यहाँ पे अनिल वाला क्वेश्चन जो है इसको लिख करके या इस क्वेश्चन का टाइम स्टैम्प ऐसे नोट डाउन करके और इसका आंसर आप जरूर नीचे कमेंट करना, मैं चेक करूंगा और आपको हार्ट भी दूंगा अगर आपने सही आंसर दिया होगा तो। अब चलिए यहाँ पे थोड़ा सा नॉर्मल एक क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी अच्छा है, इसको मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करा देता हूँ क्योंकि ये इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ये बहुत सारे बच्चों को नहीं आता है।
यहाँ पे खैर प्यारे बच्चों आपने देखा है कि यहाँ यहाँ पे बोला गया है कि एक पेपर है, रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर है, वो हमारा 11 सेंटीमीटर का है और 4 सेंटीमीटर इसका ब्रेथ है। यहाँ पे इसका डायमेंशन दे दिया है और बोला गया है कि इसको फोल्ड किया गया है बिना ओवरलैपिंग का, और इसको फोल्ड करके बनाया गया एक सिलेंडर बना दिया गया है। यानी इसको क्या किया गया है कि एक सिलेंडर के फॉर्म में हमको इसको चेंज कर दिया गया है। सो प्यारे बच्चों अब देखिए यहाँ पे सिलेंडर की हाइट जो है वो बोला गया है कि इसकी जो ब्रेथ है यही है, यानी इसका जो ये 4 सेंटीमीटर है यही है, क्योंकि इसी को मोड़ करके बनाया गया है। अब आप सोचो कि इसी को ऐसे ऐसे करके अगर मोड़ा गया होगा तभी जा करके बनाया गया होगा, यानी इसको जो मोड़ा गया है इसका जो हाइट होगा वो इसकी ब्रेथ हो जाएगी, और इसका ये जो नीचे सर्कल वाला पार्ट होगा वो जो हमारा होगा वो आप खुद ही इमेजिन करो, ये जो हमारा 11 सेंटीमीटर था इसकी लेंथ थी, अब इसके टोटल जो ये सर्कल का सर्कमफ्रेंस है उसके इक्वल हो गया 11 सेंटीमीटर। यानी अगर यहाँ से हम चाहें तो आर की वैल्यू निकाल सकते हैं कि इसका रेडियस क्या होगा, क्योंकि हमसे यहाँ पे सिलेंडर का वैल्यू पूछा है तो सिलेंडर का वैल्यू हम तभी निकाल सकते हैं, यानी पाई आर स्क्वायर हो जाए सिलेंडर का वैल्यू। तो आप चाहो तो नीचे कमेंट भी कर सकते हो, मैंने आप लोगों का फार्मूला भी बता दिया, पाई आर स्क्वायर एच यहाँ पे अच्छे से लिख देता हूँ। खैर यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग में दिक्कत होता है, आप समझ ही सकते हो थोड़ा, क्योंकि अभी ये फ़ोन से मैं वीडियो बना रहा हूँ इसलिए थोड़ा अच्छे से नहीं हो रहा होगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि सभी चीज़ें मैं आपको समझा पा रहा हूँ। तो सबसे पहले यहाँ से आर की वैल्यू आप निकालो, तो आर की वैल्यू निकालने के लिए आप 2πr इक्वल यहाँ पे 11 कर लो, और यहाँ से आप क्या करो कि 2 यहाँ पे 22/7 इंटू आर बराबर हमारा 11। अब आप चाहो तो यहाँ से डायरेक्ट कट कर सकते हो, ये 11 से हमारा ये 2 बार में, और यहाँ से ये 4/7 इजकल टू आर, ओ सॉरी मतलब इंटू आर है, तो यहाँ पे आप भेजोगे ऐसे तो आर बराबर क्या हो जाएगा हमारा, ओ सॉरी प्यारे बच्चों अभी मैं बैक आता हूँ। तो प्यारे बच्चों यहाँ से R की जो वैल्यू है वो हमारा 7/4 आ जाएगी, और बस उसी को यहाँ पे आपको भर देना है। H की वैल्यू जो है हमारा 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है और R की वैल्यू हमको यहाँ पे 7/4 मिल ही गया, तो यहाँ पे हम इसको भर देते हैं, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा ये 22/7 हो जाएगा, यानी 22/7 जो होता है हमारी पाई की वैल्यू होती है। जनरल केसेस में यही आप लेना, कभी कभी कैलकुलेशन जो होता है वो 3.14 लेकर के किया जाता है, मतलब कैलकुलेशन वगैरह को इजी बनाने के लिए, लेकिन मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप यही लेना, और वैसे भी ज़्यादातर क्वेश्चंस वगैरह ऐसा आता है तो आपको दिया रहता है पाई की वैल्यू, तो आपको उसकी चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। खैर प्यारे बच्चों रुको, ये डिलीट हो गया लिखा हुआ, आ गया हमारा वापस। अब यहाँ पे आप 22/7 इंटू आर की वैल्यू जो है आर का डायरेक्ट स्क्वायर कर दो, तो ये 7 का स्क्वायर 49 और 4 का स्क्वायर ये हमारा 16, और इंटू हमारा 4 जो है ये 4 ही है, तो 4 से ये 4 बार में ये कैंसिल हो जाएगा, ये 7 से ये जो हमारा इधर है इस 7 से ये हमारा कट हो जाएगा 7 बार में। तो इस टाइप से आप यहाँ पे देखोगे कि ये हमारा 11 बार में, ये हमारा 2 बार में, तो यहाँ पे 11 × 7 ऊपर हमारा बचा हुआ है, इन सबको हम थोड़ा रफ कर देते हैं, यानी 11 × 7 और 2 हमारा बचा हुआ है, तो ऐसे भी आप जान जाओगे कि 11/2 यानी 77/2 है। तो इस टाइप से आपको एक ही आंसर यहाँ पे दिखेगा कि यह हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है, 38.5 यानी 38.5 सेंटीमीटर क्यूब जो है हमारा वो वैल्यूम ऑफ सिलेंडर हो जाएगा। खैर ये अच्छा क्वेश्चन था इसीलिए मैंने ये आपको पूरा सॉल्व कराया, लेकिन ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको और अच्छे से सॉल्व करना है। सो प्यारे बच्चों यहाँ पे हम सिर्फ यहीं तक क्वेश्चंस को रोकते हैं, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि इन सभी क्वेश्चंस को आप खुद ही सॉल्व करो, और एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को खुद दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करो, और अगले वीडियोज़ में मैं इसी क्वेश्चन से आप लोगों की फिर से शुरुआत करूँगा, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि इस वीडियो को बस यहीं पर मतलब रोका जाए, ताकि इस पर अगर आप लोग का अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो फिर हम आगे भी वीडियोज़ बहुत ज़्यादा लाएंगे। एक दिन में 2 वीडियोज़ मैंने बोला था, अगर आप लोग का अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो 3-4 वीडियोज़ भी मैं कोशिश करूँगा, मतलब अगर आप लोग अच्छा रिस्पांस देते हो तो मेरा भी मोटिवेशन बढ़ेगा, तब मैं और अच्छे वीडियोस डालूंगा। तब कोशिश करो इसको और ज़्यादा शेयर वगैरह करो, और नवोदय विद्यालय का जो कोर्स है जेएनपी पाठशाला का हमने जो बनाया है उसको भी परचेज़ करो, आप अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को शेयर करो, और जेएनपी पाठशाला को सब्सक्राइब करके थोड़ा अपने भैया वगैरह को भी सपोर्ट करो, भैया का भी थोड़ा मोटिवेशन बढ़ाओ। तो खैर चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय नवोदय।